हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोवाइज एजुकेशन। सी लैंग्वेज के इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन में हमने दो वेरिएबल्स ले रखे हैं, एक डिफॉल्ट के नाम से वेरिएबल लिया हुआ है, एक ए के नाम से वेरिएबल लिया हुआ है। दोनों को अलग अलग वैल्यूज हमने इनिशलाइज किए, 5 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे कंडीशन में हम लोगों ने चेक करवाया और प्रिंट हम लोगों ने डिफॉल्ट को प्रिंट करवाया। ठीक है, तो इसका क्या आउटपुट आएगा फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है, ये हमारे सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड होता है। ठीक है, इसे हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बात करते हैं कि किसी भी वेरिएबल को अगर हम लोग नाम दें, अपनी तरफ से अगर हमें किसी वेरिएबल को नाम देना हो तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। उसमें से एक रूल ये भी है कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वो रूल ये है कि ये देखिए, 5th नंबर का रूल देखिए, यू कैन नॉट यूज ए कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम। ठीक है, कि आप किसी भी कीवर्ड का नाम एज ए वेरिएबल नेम यूज में नहीं ले सकते। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको टोटल हमारे कीवर्ड्स दिखाता हूँ, कितने कीवर्ड्स हैं हमारे सी लैंग्वेज में। हमारे सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जिसमें आप देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑटो, ब्रेक, केस, केयर, कॉन्स्ट। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट को काम में लिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट ऑलरेडी एक कीवर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने यहाँ पर इस कीवर्ड को हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने काम में लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो कि हम नहीं ले सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे ये जो है ये हमारे लिए एक एरर जनरेट करेगा ये प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको हम रन करवा के देखते हैं। यहाँ देखिए, हमने इस प्रोग्राम को रन करवाया हुआ है, डिफॉल्ट हमने यहाँ लिया हुआ है। ठीक है, इसको हम रन करवाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने एरर दिया। ठीक है, वहीं पर अगर मैं डिफॉल्ट की जगह अगर इन्हीं में से कोई और कीवर्ड अगर ले लेता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिया शॉर्ट ले लिया। ठीक है, शॉर्ट तो इंट के साथ हम लोग नहीं लेंगे, मैं रजिस्टर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा इंट और यहाँ पर लिख दिया रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा रजिस्टर। रजिस्टर एक ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है, अगर इसको मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पर भी मेरा रजिस्टर है उसके ऊपर ही एरर दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस प्रोग्राम को मुझे रन करवाना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पर सिंपली कोई और नाम लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ बी नाम ले लेता हूँ, ठीक है, सिंपल मैंने बी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी मैं बी लिख देता हूँ। अब अगर इस प्रोग्राम को अगर मैं रन कराऊंगा तो अब जो मेरा है आउटपुट वो शॉर्ट ले आएगा, अब मेरा आउटपुट 5 दिखा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको ये मेरा जो प्रोग्राम है ये पसंद आया होगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो आप मेरे प्रोग्राम को मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।